शिवी ठीक आ रहा है? हाँ पापा ठीक आ रहा है। पोजीशन ठीक है? हाँ एकदम। पीछे शेड तो नहीं आ रहा है? नहीं शेड नहीं आ रहा पापा। लाइट ठीक पड़ रही है? हाँ पापा आप वो चश्मा पहन लो। चश्मा पहने ओके। मार्कर्स रख लिए। मार्कर्स है मेरे पास, डस्टर है मेरे पास, ठीक है। लाइट शेड कैसा आ रहा है? लाइट शेड अच्छा आ रहा है। रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है? नहीं नहीं एकदम ठीक आ रहा है। परफेक्ट। हाँ एकदम। रेडी फॉर द शॉट? हाँ। यू से 1 2 3 आई विल स्टार्ट। ओके ओके ओके। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर आया हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के। इस बार जो समस्या मैं लेकर के आया हूँ वो समस्या बेस्ड है फीमेल्स पर। एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स की, वो है ओवेरियन सिस्ट की। यदा कदा आपने ये चीज सुनी होगी कि जब आप अल्ट्रासाउंड किसी और चीज के लिए भी कराते हैं तो उसमें डॉक्टर अपनी डायग्नोसिस लाइन में लिख देता है कि यू हैव ओवेरियन सिस्ट और उसका साइज इतना है, वो लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। तो एक्चुअली ये ओवेरियन सिस्ट होती क्यों है और ये इसका होने का कारण क्या होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो इसके लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए, ये मैं अपनी इस वीडियो में जानकारी दूंगा। पर जैसे मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ, ये जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ओवेरियन सिस्ट आखिर होता क्यों है और ये किस लिए होता है और क्यों आता है। तो इसके लिए एक हम एनाटॉमी जो है वो हम देखना जरूर चाहेंगे कि अब ये समझ लिए, ये यूट्रस है, यूट्रस इधर से निकल के जाती है फेलोपियन ट्यूब, ये दोनों साइड में बराबर होती है, इस तरह से ये फेलोपियन ट्यूब आती है, इस तरह से ये फेलोपियन ट्यूब आती है। यहां पर जो है इधर इधर जो है ये यहां पर इधर इधर ये ओवरी होती है, उसी साइड यहां पर ओवरी होती है, ये ओवरी होती है। ओवरी में पता है कि ओवरी का मेन फंक्शन जो होता है वो ओवा देना, या तो जो एग जिसे कहते हैं वो वहां से रिलीज होता है, यहां से स्पर्म जाता है और एग और ओवा फ्यूज करता है तो फिर बच्चे का जन्म होता है। अब ये जो ओवा होता है या एग होता है, ये फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो फॉलिकल सिस्ट होता है या तो फॉलिकुलर सिस्ट होता है वो आता है और वो जब रप्चर कर जाता है तो उसमें से एग निकलता है और वो रप्चर होता है। इस तरह से ये होता रहता है, जिसे कहते हैं जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, जो महावारी होती है, उसमें ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि एक फॉलिकुलर सिस्ट बड़ा होता है और फिर वो फूट जाता है, उसमें से एग रिलीज होता है। अगर स्पर्म नहीं उसमें आया है तो वो एग उसमें वहीं पर वो एग डिसॉल्व हो जाता है, आगे उसका कोई काम नहीं रहता है। अब ये मान लीजिए इस तरह से कि ये फॉलिकुलर सिस्ट बनता है, बड़ा होता है और ये यहीं पर ये रप्चर होता है। मान लीजिए ये सिस्ट रप्चर नहीं होता है तो ये एक तरह का ये यहाँ पर ये बैलून टाइप का जो है ये गुब्बारे टाइप बना देते हैं, इसे हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। तो है ये कि ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया से शुरू होता है जो फिजियोलॉजिकल है और ये नॉर्मल प्रक्रिया होता है, पर वो रप्चर होना रह जाता है, नहीं रप्चर हो पाता है तो वो बढ़ता है। अब ये ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये दो से तीन महीने में अपने आप ही ये रप्चर हो जाता है। तो ये रप्चर हो गया तो ये प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है, पर अगर ये रप्चर नहीं होता है तो उसके बारे में फिर हमको थोड़ा सा डॉक्टर या आपके जो गायनी डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर अब इसका फर्दर होगा क्या। अगर मान लीजिए इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं तो क्या दिक्कत कर सकता है, अगर तो ये फिजियोलॉजिकल ज्यादातर हम अल्ट्रासाउंड से ही मालूम कर सकते हैं ये फिजियोलॉजिकल टाइप है कि नहीं, यानी नॉर्मल टाइप है कि नहीं। अगर अल्ट्रासाउंड में आता है ओवेरियन सिस्ट है वो यूनिलॉकुलर है, मतलब उसमें एक ही लॉक्यूल है या तो उसमें समझ लिए एक ही गुब्बारा है, कई सारे अंदर छोटे छोटे गुब्बारे नहीं, यूनिलॉकुलर है और उसकी जो वॉल की थिकनेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो वैसा टाइप का सिस्ट जो है उसको हम सिंपल सिस्ट कहते हैं और सिंपल सिस्ट देर सवेर वो फूट ही जाता है और वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। पर अगर ये सिस्ट ना फूटे तो ये बहुत बड़ा आकार भी ले सकता है, यहां तक कि बाहर से भी फील होने लगता है, इतना बड़ा पानी का गुब्बारा टाइप का जो है ये सिस्ट, ये बहुत बड़ा गुब्बारा टाइप का ले लेता है, इतना बड़ा सिस्ट और कितने बड़ा साइज का सिस्ट आपके बन सकता है। अब इतना बड़ा सिस्ट हुआ, बन गया, खूब सारा पानी आ गया, दिक्कत क्या क्या हो सकती है, ये कभी कभी अचानक रप्चर कर सकता है, उसमें बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, या तो ये रप्चर नहीं भी करता तो उसके साइज की वजह से जो खिंचाव होता है उसकी वजह से पेट में दर्द होने लगता है, मेंसेस में डिस्टर्बेंस होने लगते हैं। ये सब ओवेरियन सिस्ट के लक्षण हैं कि नीचे वाले पेट के हिस्से में दर्द होना और मेंसेस के टाइम में बहुत ज्यादा दर्द होना और मेंसेस कभी कभी इररेगुलर हो जाना,
या तो कभी कभी हम पाते हैं किसी को डायग्नोसिस नहीं होता है मैरिड फीमेल में अगर इनफर्टिलिटी है, तो किसी किसी केस में इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है, अगर ये दोनों साइड में सिस्ट इस तरह से हो गए हैं तो इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है, तो अपने आप में वो फिर वो सोचने का एक विषय बन जाता है। अगर मान लीजिए आपको ओवेरियन सिस्ट डायग्नोस हो गया है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, तो आपकी जो गायनी के डॉक्टर हैं आपको रेगुलर फॉलो अप में बुलाती रहेंगी। हाँ, वो एक जरूर है, एक टेस्ट कराना चाहेंगी जिसे कहते हैं CA125। ये वाला जो है ये ओवेरियन ओवरी के जो कैंसर होता है उसका ये ट्यूमर मार्कर है। ये हम ब्लड का टेस्ट ये होता है, ब्लड का सैंपल ले लेते हैं और 2 से 3 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाती है, उससे ये पता चल जाता है कि ये जो सिस्ट बन रहा है इसमें कोई कैंसर होने की संभावना तो नहीं है। इसलिए ये जरूर है, अगर आप वेट भी करना चाहते हैं ओवेरियन सिस्ट के लिए तो CA125 की जांच आपको जरूर करवा लेनी चाहिए। फिर आपकी गायनी डॉक्टर बोलेंगे कि आप रेगुलर फॉलो अप में हमारे पास आइए, 3-3, 4-4 या 6-6 महीने में आप उनको दिखाते रहिए कि वो सिस्ट फूट गया है कि नहीं। मान लीजिए अब ये सिस्ट नहीं फूटता है तो हमारे पास क्या क्या विकल्प है, ये बहुत बढ़ सकता है, ये अपने आप में कभी कभी ये ट्विस्ट हो जाता है, उसमें बहुत ही सीवियर एक्यूट इमरजेंसी हो जाती है और सीवियर पेन हो जाता है, ये अचानक रप्चर कर सकता है, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग होने की वजह से बहुत सारा ब्लड जो है वो पेट के अंदर लॉस हो सकता है, ये इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। ज्यादातर पाया गया कि अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम है तो ये फिर बहुत ज्यादा घातक नहीं होता है, इसमें रप्चर के चांस कम होते हैं, ये सब चीजें कम होती हैं और ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, पर अगर उससे बड़ा सिस्ट है तो उसमें ये इस तरह का कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, वेट एंड वॉच आपने कर लिया, CA125 कर लिया, उसके बाद भी ये बढ़ता जा रहा है। कुछ गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करती हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसमें इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो लो डोज में कुछ समय के लिए दिया जाता है, जिससे कि वो सिस्ट आगे ना बढ़े या और कोई इसी तरह का सिस्ट ना हो और वो सिस्ट किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ना करे और वो सिस्ट वो रप्चर कर जाए, तो वो इस तरह से देते हैं। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इस हम स्टेरॉइड नहीं लेना सकते चाहते हैं, पिल्स नहीं लेना चाहते हैं और ये एक काफी बड़े साइज में हो गया, कॉम्प्लिकेशन डर हो गया है, तो फिर इसको हम निकाल सकते हैं, इसको ओवेरियन सिस्ट रिमूवल कहते हैं, ये ऑपरेशन करा सकते हैं। अब ये ऑपरेशन पेट के में चीरा देकर के भी हो सकता है या तो फिर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है, जो लेप्रोस्कोपिक होता है उसमें जैसे कि अगर मान लीजिए पेट है तो 2 सुराख करके पेट में लेप्रोस्कोपी से इसमें दूरबीन डाल करके हम इसको निकाल देते हैं, इसको एस्पिरेट कर लेते हैं, फिर हम इसको पूरी पूरी सिस्ट वॉल जो है हम उसको सिस्ट को पूरा बाहर निकाल लेते हैं, तो ये सिस्टेक्टमी प्रोसीजर है और जो ओवेरियन सिस्ट के लिए हम लोग करते हैं, हम इस सिस्ट को पूरा पूरा निकाल देते हैं, समस्या वहीं पर सॉल्व हो जाती है। पर आप पूछेंगे क्या ये सिस्ट दोबारा बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है, अगर किसी में टेंडेंसी होती है तो ये दोबारा बन सकता है। उसको रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप हेल्दी डाइट लें, हेल्दी फूड लें, नियमित आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और इस तरह का अगर आप काम लाइफ को आप हेल्दी रखते हैं, एक्टिव लाइफ रखते हैं, ज्यादा ऑयली स्पाइसी फूड नहीं लेते हैं तो फर्दर आप जो ओवेरियन सिस्ट होने से अपने आप को बचा सकते हैं। पर आप रेगुलर आप जिनको टेंडेंसी है उनको साल में एक बार या अल्ट्रासाउंड करा के जरूर देख लेना चाहिए कहीं ये सिस्ट दोबारा से तो नहीं हो रहा है या इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये ओवेरियन सिस्ट है और इस तरह से होता, अब ये एक साइड भी हो सकता, कभी कभी एक ही कभी कभी मल्टीपल सिस्ट होते हैं जो पॉलीसिस्टिक डिजीज जो है PCOD डिजीज के नाम से आते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में लूंगा, उसके बारे में आपको मैं विस्तार में बताऊंगा कि PCOD होने से बहुत ज्यादा हार्मोनल इफेक्ट्स और बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स में आने लगते हैं, वो अपने आप में अलग से टॉपिक है, वो मैं लूंगा। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है सिंपल ओवेरियन सिस्ट और उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं और इससे हम अगर डायग्नोज होता है तो हम क्या क्या स्टेप जल्दी लेकर के इससे अपना वो बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो ये जरूर पसंद आया होगा और मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरह की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के पास आता रहा हूं और आगे भी आता रहूंगा। आप लोगों को फोन कॉल्स और व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आप लोग मेरे पास भेजते रहते हैं, मैं समय से उनका जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करता हूं और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much. Thanks a lot.